बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्टूडेंट, हम लोग इनपुट बॉक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, आज हम लोग फर्दर उसी के बारे में अगेन डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनपुट बॉक्स क्रिएट किया था, ये देखिए हम लोगों ने ही कोडिंग की थी। आप लोगों के सामने क्या आया था, शो मैसेज वाला आप लोगों ने बटन क्रिएट किया था, और हमारे सामने इनपुट बॉक्स जो था वो क्रिएट था, जिसका टाइटल हम लोगों ने हेलो रखा था, और प्रॉम्प्ट वैल्यू एंटर एनी नंबर, और दो जो थे डायलॉग उसके इनपुट बॉक्स के स्टूडेंट जो दो बटन है वो आप लोगों के सामने थे, ओके एंड कैंसिल। और यहाँ पे जैसे हम लोग वैल्यू एंटर करते थे और यहाँ से ओके करते थे, हमारे फॉर्म पे हमें क्या शो होता था, यू एंटर्ड 89। तो स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो रिमूव कर दें और यहाँ पर इसका टाइटल नेम कुछ और रख देते हैं, हम यहाँ पर पाकिस्तान कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन शो मैसेज वाला आप लोगों को जो है आप लोगों का फॉर्म शो हुआ है, बटन पे आप लोग क्लिक करें। देखिए स्टूडेंट, अब आपको टाइटल क्या शो हो रहा है, पाकिस्तान। और देखिए पहले यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ शो हो रहा था, क्योंकि अब हम लोगों ने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल कर दी, कोई वैल्यू नहीं दी। देखिए हमें कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही, तो अब हम लोग इसमें जो है वो नंबर एंटर करते हैं, एंटर एनी नंबर जो कि हम लोगों ने यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाया, तो 56 है जो है वो यूज़र ने एंटर कर दिया है, जो कि आपके वेरिएबल जो आपने एन डिक्लेयर करवाया था उसमें जाके स्टोर हो गया है। यहाँ से स्टूडेंट हम ओके करते हैं, तो देखिए आपको क्या लिखा हुआ शो हो रहा है, यू एंटर्ड 56। अच्छा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हमने डीम में वेरिएबल क्या डिक्लेयर करवाया है, एन। अगर मैं इसको ए रख देती हूँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी एन है, तो इधर भी मैंने इसके नाम क्या रख देना है, ए। अब यहाँ पर भी जहाँ पर कंकैटिनेशन का मैंने करवाया हुआ है, यहाँ पर भी ए। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एन रखना है तो हर जगह आपने क्या लिखना है, एन ही लिखना है। अगर आपने ए रखना है तो ए ही रखना है। अब देखिए मैं इसको रन करवाती हूँ, तो देखिए एज इट इज़ वो वर्क करेगा। यहाँ पे आप नंबर लिखें, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर आप डिफरेंट वेरिएबल लिखते हैं तो देखिए स्टूडेंट एरर आएगा। यहाँ पर मैं एन लिख देती हूँ, यहाँ पर तो ए और ए ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, एन लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इसको रन करवा के देखते हैं, शो अ मैसेज एंटर एनी नंबर, हमने नंबर एंटर किया है, हालांकि हमने 67 जो है नंबर एंटर कर चुके हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे ओके भी किया। तो देखिए सिर्फ स्टूडेंट आपको यू एंटर लिखा हुआ शो हुआ है, जो नंबर है वो लिखा हुआ शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने जो वेरिएबल है वो तो ए और ए डिक्लेयर करवाया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, एन लिख दिया है। अगर यहाँ पर हम अगेन ए लिख देते हैं, तो देखिए इसको अगेन हम रन करवाते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज देते हैं, तो देखिए स्टूडेंट अब आपको यू एंटर 56 लिखा हुआ शो हो गया है। आई होप सो स्टूडेंट आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी, और आप लोगों ने जो एरर है वो बिल्कुल क्रिएट नहीं करने, अच्छे से वर्किंग करनी है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग मैसेज बॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।